आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि VBA यूज करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप VBA यूज करने से पहले आप इसमें बताया था कि VBA क्या क्या करता है, किसके लिए हम VBA कोडिंग करेंगे वगैरह वगैरह, राइट? यस। अब चलिए VBA कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि प्रिपरेशन क्या करना होगा आपको। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब चाहिए, राइट? अब डेवलपर टैब डिफॉल्ट होता नहीं है, तो इसके लिए आप ऑप्शन पे चले जाएं। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ आपका कस्टमाइज रिबन में ये आपको मिल जाएगा डेवलपर। यस, ठीक है। और इसको ओके आप कर दीजिए। यस, तो आप डेवलपर टैब हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फाइल यहाँ पे माइक्रो सिक्योरिटी का आप अनेबल कर लेंगे, डिफॉल्ट होता है। उसके बाद फाइल को सेव करेंगे इसमें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। लेकिन आपको मोस्टली फाइल माइक्रो वाली ही बनाते हैं, मोस्टली फाइल अगर आप माइक्रो का ही बनाते हैं तो क्या करेंगे आप? सेव एज माइक्रो एनेबल्ड वर्क, नहीं तो सब अब कर लेंगे, लेकिन आप मोस्टली फाइल बनाते हैं तो हर बार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, करेक्ट? एक सर ऑप्शन में जाके सेव पे जाइए और डिफॉल्ट इसको सेट कर दीजिए। यस यस यस। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, अब प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने से पहले हम माइक्रोज और रिकॉर्ड माइक्रोज के बारे में जान लेते हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको दूर करते हैं। मेरे पास मोस्टली बच्चों का कॉल आता है, वो बोलते हैं सर मुझे रिकॉर्ड, मुझे माइक्रो नहीं सीखना है, मुझे VBA कोडिंग सीखना है। हाँ, ये चीज जान लीजिए कि माइक्रोज भी आपको VBA कोड भी आपको माइक्रोज ही बनाता है, और माइक्रो भी VBA कोड वाली माइक्रो ही बनाता है। एग्जाम्पल, आपने विजुअल बेसिक में गया, आपने एक मॉड्यूल को इंसर्ट किया, इसके बारे में बाद में बताता हूँ मैं क्यों इंसर्ट किया। यहाँ पे सम दिया, सब दिया, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक माइक्रो आर करके बना दिया। ओके, ये आपका माइक्रो आपका बना, और रिकॉर्डिंग माइक्रो आपने किया। मान लीजिए मैं इसमें कुछ कोड भी लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया रेंज A1.select, A1.select। अब यही काम मैं रिकॉर्डिंग माइक्रो से करता हूं। मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया, माइक्रो का नाम दिया एंड ओके कर दिया, और A1 कर्सर रख दिया, स्टॉप। देखिए जो कोड देखेंगे तो आप मोस्टली आपको सेम ही है, दिख रहा है आपको माइक्रो A1.select, करेक्ट? अंतर दिख रहा है? यस। क्या हुआ कि इसने हमने खुद से कोडिंग किया, और यहाँ माइक्रो इसने रिकॉर्ड माइक्रो ने कोडिंग कर दिया। समझिए कि रिकॉर्ड माइक्रो एक आपका असिस्टेंट है या इंटरप्रेटर है, जो आप एक्शन करते हैं, जैसे आप जहां जहां माउस ले जाएंगे, जो टाइप करेंगे, जो फीचर अप्लाई करेंगे, उसका कोड में कन्वर्ट कर देता है, करेक्ट? ठीक है, कोड में आपका कन्वर्ट कर देता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है कि आपको कोडिंग करने की जरूरत ना हो, करेक्ट? एक सवाल उठता है। hmm. सवाल क्या उठता है कि जब सारा काम VBA माइक्रो से हो जाता है, सॉरी सारा काम अगर कोडिंग और रिकॉर्डिंग जो भी है वो आपका ये रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग माइक्रो कर देता है, तो हम कोडिंग क्यों सीखे? करेक्ट, करेक्ट, क्या सही सी बात है ना? yes. मान लीजिए ना कि आपका आपके ऑफिस से और आपके घर से आपके ऑफिस के बीच लायक लिफ्ट लग गया, तो आप गाड़ी क्यों खरीद देंगे? तो जाहिर सी बात की देखिए आपका लिमिटेशन है कुछ इसमें रिकॉर्डिंग में, ये आपका रिकॉर्डिंग माइक्रो पूरा काम नहीं करता है, बहुत सारे फीचर्स अप्लाई नहीं होता है, जैसे कंडीशंस, लूपिंग, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज ऐसी है जो कि नहीं हो पाता। ओके, तो इसका यूज क्या करेंगे आखिर? इसका यूज हमारा होता है लर्निंग के लिए। जैसे मान लीजिए ना कि आपको कॉपी करने का कोड क्या है आपको याद नहीं है, सीखने जा रहे हैं आप, तो आप क्या करें?
कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे कॉपी कर देंगे, तो आपका कॉपी करने का कोड यहां जनरेट हो गया एफ सिग्नल डॉट सिलेक्ट सिलेक्शन डॉट कॉपी करेक्ट। तो ये लर्निंग ना आपको सपोर्ट देगा। यस दूसरी चीज देखिए, क्या मैं जब हम माइक्रो सीख जाएंगे तो क्या मैं रिकॉर्डिंग माइक को यूज नहीं करूंगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही आता है। yeah. करते हैं हम भी रिकॉर्डिंग माइक को यूज करते हैं। कहाँ करते okay. हैं, अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि हम कहाँ पे करते हैं। ओके okay. एक डेटा के लिए लेते हैं, नहीं ये तो छोटा डाटा है, बड़ा डाटा लेता हूँ। सब दो हजार बाद निकल आई कोई बात ना बापा बस ओके तो ये डेटा आपके सामने खुला है राइट। मैं काम करता हूं इस डेटा अलग सीट पे रख लेता हूं। फाइल को बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना होता है कि ये मेरा डेटा शीट है राइट, और जब भी yes. मुझे ये पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया का डेटा है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए पूरे कस्टमर का डेटा है हमारा, और yes. क्या होता है कि हमारे जो टीम मेंबर है वो कॉल करते हैं, जैसे पूजा ने कॉल किया बोला कि सर मेरा डेटा भेज दो, तो मुझे क्या करना होता है कि फिल्टर लगाना होता है पूजा के डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके एक नई शीट फाइल पे पेस्ट करके फिर उनको मेल करना होता है। Correct. कुछ ऐसा चाहते हैं कि ऐसा माइक्रो बने कि जब मैं रन करूं मुझसे नेम पूछे मैं नेम दूं और फिर उस नेम को फिल्टर करके कॉपी करे एक नई शीट पे उसको एक अलग फाइल में सेव कर दे। करेक्ट ठीक है yeah. तो क्या करेंगे इसके लिए, तो चलिए इसके लिए रिकॉर्डिंग तो करते हैं। चलिए मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। जब भी माइक को रिकॉर्ड करेंगे ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा माउस मूविंग नहीं कीजिएगा, क्लिक क्लिक नहीं कीजिएगा, स्क्रॉल नहीं कीजिएगा, जो सीट पहले से है उस पर नहीं जानिएगा, नया सीट इंसर्ट कीजिएगा, जो भी आप करेंगे वो कोड हो जाएगा और वो सारी चीज दूसरी बार रिकॉर्ड करोगे वो होना चाहिए, इसलिए ये सब चीज को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब मैं इसको फिल्टर कविता पे गया, मैं यहाँ से कविता में इसमें पूजा को सेलेक्ट करता हूँ एंड ओके। उसके बाद जब भी सिलेक्ट करेंगे डेटा को तो माउस से सिलेक्शन नहीं होगा, कंट्रोल राउट एंड डाउन वाले सिस्टम को कीजिएगा ठीक है ना, नहीं तो क्या हुआ कि okay. एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और हर बार वही एरिया कॉपी होगा। ओके डेटा कम या ज्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। यस yes. और जब भी फिल्टर डेटा को कॉपी कीजिएगा तो एक कोड ऐड कर दीजिएगा स्पेशल में विजुअल सेल्स। ओहो ठीक है ना, ऐसा इसलिए ताकि okay. जो पीछे का हिडन डेटा है वो कॉपी ना हो जाए। ओके okay. उसके बाद एक नई सीट ऐड कर रहा हूं यहां से, और yes. मेरे पास ऑलरेडी सीट थे भी नया सीट ऐड किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम पता ना सीट हो या ना हो। Correct. इसके बाद नाम मैं पूजा रखता हूं
और इसकी डेटा को मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, राइट? करेक्ट। और फिर इसको राइट क्लिक करता हूं, मूव, और एक नई फाइल में, करेक्ट। और इस फाइल को मैं सेव करता हूं यहां एक लोकेशन में, ओके, पूजा के नाम से। ये तो मैनुअल कर रहा हूं ना, अब मैं इसकी कोड को समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। या को क्लोज करता हूं और फिर डेटा पे जाता हूं और इसको स्टॉप करता हूं। अभी देखिए क्या है कि आपका माइक्रो रिकॉर्ड हो गया बट ये वर्क नहीं करेगा। वर्क ना करने के पीछे रीजन है कि इसका कोड इसके अकॉर्डिंग बना ही नहीं। ओहो, करें ये देखिए, तो रेंज वन डॉट सिलेक्ट। अब जैसे दो दो बार फिल्टर लग रहा है, और सिलेक्शन फिल्टर और यहां भी फिल्टर है, एक फिल्टर का आपको डिलीट करना होगा। रेंज ई टू सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। पूजा ए वन को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन दिया, स्पेशल किया, कॉपी किया, सीट को ऐड किया। अब सीट फोर डॉट नेम डॉट पूजा दिख रहा है, जरूरी तो सीट फोर ही ऐड होगा हर बार, तो जरूरी नहीं है ना, करेक्ट। तो मैंने इसको एक्टिव सीट कर दिया, क्यों? क्योंकि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है। हाँ। फिर रेंज वन पे गया, एक्टिव सीट को पेस्ट किया, सीट पूजा सिलेक्ट, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पूजा हमें पूजा ए भी नहीं है, पूजा डॉट मूव। तो यहां भी हम एक्टिव सीट डॉट मूव ही करते हैं, ठीक है, ओके। एक चेंज ड्राइव का है तो जरूरी नहीं है, और ये आपका आ गया एक्सेलस एक्स फॉर्मेट डॉट डेटा डॉट। अब ये कोड जो है ये परफेक्टली वर्क करेगा, लेकिन ओके प्रॉब्लम क्या होगी, किसे पूजा का डेटा बनाएगा? मुझे कुछ ऐसे चाहिए जो मुझसे पूछे। हाँ, तो यहां पे देंगे फॉर्मूला, यहां पे देंगे एक हम कि n इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स एक कोड होता है वो लगाता हूं और यहां देता हूं। अच्छा, एक स्पेलिंग मिस्टेक देता हूं कि एंटर नेम, ओके, और जहां पूजा है वहां पे हम एन को कर देते हैं। तो क्या okay. एक पॉपअप मुझसे पूछेगा, ठीक है ना, और उसमें हम डालेंगे वो एन पे स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे एन क्या है, तो एन एक का समझिए कि वेरिएबल है, मतलब कि जब मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो एक्स वाई जेड या एबीसीडी लेते हैं ना, जैसे एक्स इक्वल टू, सपोज एक्स इक्वल टू 100, और जहां भी 100 की जरूरत पड़ती है वहां एक्स ले लेते हैं। सेम यहाँ पे यही हो गया कि मैंने बोला सपोज इनपुट बॉक्स की वैल्यू इक्वल टू एन, और जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां हमने एन ले लिया, करेक्ट, डिफाइन कर दिया उसको। अब यहाँ पे पूजा नहीं, उस पे जो एन होगा एन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा कॉनकाटा नेट वाले फीचर को लगा के, ओके, एन आएगा, ठीक है। ये क्या है सर, एन एन एंड? देखिए, जो दो वैल्यू को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, अच्छा, मान लीजिए कि 2020 और यहाँ पे डाला हुआ है पूजा और यहाँ पे डाला हुआ है एक्स, ठीक है ना? हाँ, समझ गया सर। तो अब इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने इसको सेलेक्ट और फिर इसको सेलेक्ट किया, करेक्ट करेक्ट। तो पाथ होना चाहिए ना, एक तरह से पाथ यहां बन गया। यस यस, अब परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहां पे हमने इसको रन किया, नेम मान लीजिए मैं टीना देता हूं एंड ओके, ओके, टीना ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए नहीं हुआ, हो गया। Yes. लोकेशन में जाके देखिए, इस पे है ना, 2019 पे आ गया टीना, करेक्ट, ठीक है सर। यस सर। तो रिकॉर्डिंग माल से डाउट था मुझे। हाँ, पूछिए क्या डाउट था।
आपने आपने जो अभी रिकॉर्ड करने के बाद जो यहाँ पे आपने जो डिलीट किए थे ना कुछ चीजें, जैसे कि आपने बोले शीट फोर की जरूरत नहीं है, अभी शीट फोर तो मैं समझ गया क्यों आपने डिलीट किया, और उसके पहले आपने फिल्टर का भी डिलीट किया आपने, तो वो कैसे, वो लॉजिक कैसे लगाएगा रिकॉर्डिंग में? हमने आपको क्या बोला कि हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को दो पर्पस से यूज करते हैं, पहला पर्पस लर्निंग के लिए, दूसरा पर्पस दूसरा बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सोचिए काम चोरी के लिए, हम इतना लाइन कोड बड़ी करेक्ट समझिए ना, तो एग्जांपल अगर मैं अगर ना करता था पूरी टाइपिंग करने पड़ती, अब आप टाइपिंग पे आपकी स्पीड नहीं है तो इसका इस मिक्सर की इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट यस, रिकॉर्डिंग माइक्रो से हम सेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसको कस्टमाइज कर लेंगे, इट इज सॉल्व हो जाएगा। यस सर, समझ गया, समझ गया ना। तो ये भी क्या डिलीट किया क्या डिलीट नहीं किया, ये तो आप आगे सीखेंगे तो इसके लिए आप खुद सोचने लगेंगे, बस मैंने ओके सर ओके पर्पस बताया है। यस सर अंडरस्टूड, समझ गया। यस ओके, अब माइक्रो को जैसे रिकॉर्ड हमने किया या कोड हमने किया, उसको रन कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपने देखा कि रन करने के लिए हमने माइक्रोज लिस्ट में गए, तो यहाँ पे आप इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हो, इस पे जाइए ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे अपना शॉर्टकट कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। ओके, देखेंगे वो सॉफ्टवेयर ना बना जो कि ऑलरेडी एक्सेल में शाइन से कंट्रोल क्यू से क्यूट होता है, क्लोज होती है, ऐसे ना बनाए। इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कल के डेट में अगर आप भूल जाए कि भाई माइक्रो किस चीज के लिए बनाया था, तो उससे आपको याद आए। ओके सर, उसके अलावा अगर आपको रन, मान लीजिए कोई बटन से मुझे रन कराना है, मैं चाहता हूँ कोई बटन से रन, तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो आपका इंसर्ट में आप जाते हैं, तो यहाँ पे एक दो है फॉर्म कंट्रोल एंड एक्टिव सेट कंट्रोल, तो एक्टिव एक्स कंट्रोल का कोड लिखना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल में आपको माइक्रो असाइन करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट करके इसको असाइन कर, इस पे चेंज कर गेट डेटा। ओके, मुझे ग्राफिकल चाहिए, मतलब कि कोई पिक्चर वगैरह बना रखा है, चाहे कुछ सैप वगैरह ले रखा है, एक अच्छा सा सुंदर सा, तो सब्सक्राइब का बटन होता है ना, बाय का बटन होता है टाइप का, उस तरह की चीजें बना ले यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से एक डिजाइन कर लिया, इसकी फॉर्मेटिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया और इस पे लिख दिया गेट, ओके मैं एक बार करता हूं। इसके ऊपर भी राइट क्लिक कीजिए और यहां भी आपको दिखेगा असाइन मैक्रो और मैक्रो को असाइन। यस यस सर, आगे सर। यस, तो अब आपको इससे आगे की चीज सीखने के लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो को ट्रिगर कीजिए, छेड़छाड़ कीजिए थोड़ा सा मैक्रो को, ठीक है। यस सर, अपने ऑफिस के काम के माइक्रो बनाइए और समझने को, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, लैंग्वेज कोई खास नहीं है, सिंपल समझे से कि हमने इनपुट लिया, रेंज ए को सिलेक्ट किया, हमने फिल्टर किया, फिल्टर में मैंने रेंज मैंने हटा दिया, ए वन ही रखा, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट हुआ, सिलेक्शन डॉट एंड से लेके एक्सेल राइट एक्सेल टू डाइन किया, एक्सेल सेल्स टाइप विजुअल किया, इससे समझ में आ रहा है क्या करना आखिर? यस यस, थोड़ा समझ रहा है। हाँ, तो इसको समझ कीजिए। दूसरा चीज, अब देखिए क्या है कि कोर्स में सिखाऊंगा वीबीए प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि जो मेनू बार के फीचर्स हैं, हाँ, खुद से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कॉपी का कोड क्या होता है, कट का कोड क्या होता है, पेस्ट का क्या होता है, बोल्ड का क्या होता है, इटैलिक का क्या होता है, मर्ज का क्या होता है, कट का क्या होता है, फॉर्मेट का क्या होता है, फिल का क्या होता है, ऐसी बाकी सब भी, तो आप वन बाय वन एक एक फीचर अप्लाई करें, उसके कोड को स्टडी करें, ओके ठीक है ना। ओके, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द माइक्रो के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में, एंड प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन की माइक्रो डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसके रूल्स के बारे में। ओके ठीक है, तो मिलते हैं कल। यस सर।